इनके लब रंगी की मिठावर थी के जिसने। इफ्तिकार साहब, हैं मालूम ये करते हैं कि कुरान पाक को भूल जाने की जो हदीस है जिसके अंदर गुनाह की वईद आई है कि जो कुरान पाक भूल जाए, तो इससे क्या मुराद है? हदीस पाक से कि भूलने से मुराद क्या, जो देख कर भी ना पढ़ सके, वो मतलब है या नहीं? एक मरतबा मुफ्ती साहब से मेरे ना यानी इस हदीस के ऊपर बात हुई थी कि जो कुरान पाक की सूरत किसी को याद हो और वो उसको भुला दे तो हदीस पाक ऐसा कहती है कि वो बंदा अंधा उठेगा कयामत के दिन, कोड़ी उठेगा। तो उन्होंने बताया था कि इससे मुराद ये है कि वो देख कर भी ना पढ़ सके, यानी इतना भूल जाए कि देख कर ना पढ़ सके। हिफ्ज भुलाने मुराद नहीं है, मगर मसला ये है कि इससे हिफ्ज भुलाना ही मुराद है और ऐसा नहीं है कि वो देख कर ना पढ़ सके। ये हदीस उनके लिए, क्योंकि बिल्कुल ज़ाहिर है हदीस के अल्फाज से, जैसा कि सल्लम ने फरमाया कि किसी शख्स को एक आयत या कोई कुरान की सूरत याद हो उसे भूल जाए तो वो यानी बड़े गुनाहों के अंदर मुब्तला होगा, और ये कि अंधा या कोड़ी उठेगा, तो इससे मुराद हिफ्ज भुलाना ही है, देखकर भुलाना नहीं। देखकर भुलाना भी जाहिर है कि कोई अच्छा काम तो नहीं है, बदनसीबी ही है, लेकिन किसी को ऐसा होता है कि रमज़ान में या किसी ऐसे मौके पर कोई एक आयत की सूरत बच्चा याद कर लेता है, जैसे यासीन वगैरह याद कर ली और कुछ मुद्दत के बाद उसको भूल जाता है, तो ये वईद उन सब के लिए है कि जो कुरान पाक को हिफ्ज़ करने के बाद किसी आयत को या सूरत को भुला देते हैं। जैसा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी यानी मुझ पर मेरी उम्मत के सवाब पेश किए जाते हैं, यहाँ तक के मस्जिद से निकाला गया तिनका भी, कि जो कोई मस्जिद से निकाले वो भी मुझे खबर होती है, और यहाँ तक के बड़े बड़े गुनाह भी पेश किए जाते हैं, जिनमें बड़े गुनाह के अंदर गिनवाया है कि कुरान पाक का भूल जाना मुराद है उससे, कि कुरान पाक अल्लाह ताला ने जिसको याद करने की हिफ्ज़ करने की तौफीक दी हो फिर वो भुला दिया गया, तो कुरान पाक का भूल जाना यानी हिफ्ज़ का भूल जाना यहाँ मुराद है। तो क्योंकि कुरान को हिफ्ज़ करना याद रखने के मुकाबले में आसान है, अगरचे हिफ्ज़ भी इतना आसान नहीं है, कहते हैं लोग कि हिफ्ज़ आसान है याद रखना मुश्किल है, लेकिन इतना भी आसान नहीं, मगर ये कि याद रखने के मुकाबले में आसान है कि हिफ्ज़ बंदा अगर करना चाहे तो मुमकिन है कि कर सकता है, अगर शराइत अपनी तय कर ले किसी काबिल आलिम दीन से मालूम करके जो इस चीज़ को जानता हो कि हिफ्ज़ कैसे किया या करवाया जा सकता है, तो उनसे उस रूल रेगुलेशन के ऊपर अगर बंदा पाबंदी के साथ सख्ती के साथ अमल करेगा तो हिफ्ज़ जो है वो कर लेगा, लेकिन उसके बाद उसको बार बार उसकी जो है ना रिपीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो उसकी तकरार छोड़ देगा और उसको नहीं पढ़ेगा, अगरचे एक पारा आधा पारा ही डेली पढ़े, लेकिन रोज़ पढ़ना ही पड़ेगा जब तक उसको यकीन कामिल ना हो जाए 10 साल 20 साल के अंदर कि अब मेरा हिफ्ज़ पक्का है, तो इसलिए जब तक तो डेली पढ़ना पड़ेगा, फिर चाहे हफ्ते में पढ़े फिर चाहे महीने में, लेकिन उसको पढ़ना पड़ेगा। तो हिफ्ज़ अगर भूल जाएगा तो फिर वो सब हदीसों के अंदर जो बयान हुआ कि कयामत के दिन बड़े गुनाहगारों में आएगा या अंधा उठाया जाएगा, कोड़ी उठाया जाएगा, तो सब उनके लिए है जो कुरान पाक को हिफ्ज़ करके भूल गए या फिर एक आयत या एक सूरत को भी हिफ्ज़ करके भूल गए। तो जितनी सूरतें याद कर ली हैं नमाज के लिए, बहुत से लोगों ने 10 याद कर ली होती हैं, फिर एक वक्त ऐसा होता है कि वो भूल जाते हैं, तो उनको भी वो लोग रिपीट करते रहें और बार बार उनकी दोहराई करते रहें जैसे जैसे वक्त मिले, ताकि आप इस अजाब से जो हैं वो बच सकें। पत्थर में हसन लाले पुरनवार।